देखो मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म अपॉन में नहीं लिया। देखो अपॉन में इस बार हमने एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं लिया। ऐसा हो सकता है अपॉन में एक्स स्क्वायर का टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ध्यान देना, ठीक है। देखो फिर वही काम करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स, है ना। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से देखो डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ऊपर माइनस है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर डी टी, है ना। देखो ये पूरा टर्म हो जाएगा डी टी के बराबर। इसके बाद देखो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। देखो ये ऊपर का टर्म, देखो ये पूरा बन गया टी स्क्वायर माइनस 2 और देखो ये हो गया डी टी, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर और डी टी, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये वाला 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये वाला। देखो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 ए लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो देखो ये हो जाएगा 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ मॉड t माइनस रूट 2 अपॉन टी प्लस रूट 2 प्लस सी, है ना, 1 बाई 2 ए लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। अब t की वैल्यू वापस ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा, क्या हो गया देखो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस रूट 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस रूट 2 और प्लस सी, है ना। ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा भी देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हम किस टर्म को टी मान रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आया कि नहीं आया, है ना, और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आना चाहिए और उसको स्क्वायर करने से डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मिलनी चाहिए। दोनों मतों का ध्यान रखना पड़ता है, है ना, कि उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आएगा और जब उसको स्क्वायर करेंगे तो हमें अपने आप ही डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान दो, ठीक है। लिखो जरा बच्चों पहले इसको ध्यान से।